खातून की आदत थी कि वो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक शब उसने लिखा कि मैं खुश हूँ, मेरा शोहर तमाम रात ज़ोरदार खराटे लेता है क्योंकि वो ज़िंदा है और मेरे पास है ना, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात घर पर ही गुजारता है और आवारागर्दी नहीं करता, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में है ना। अगर ये ना होती तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है और ये ताकत और हिम्मत सिर्फ अल्लाह ही के फजल से है। मैं खुश हूँ कि हर साल ईद पर तोहफे और ईदी देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं जिन्हें तोहफा दे सकूँ। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी कितनी बेरौनक है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। जीने के इस अनमोल फार्मूले पर अमल करते हुए अपनी भी और अपने से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी पुरसकून बनानी चाहिए। छोटी छोटी परेशानियों में खुशियों की तलाश, खुश रहने का अजीब अंदाज़ है।